आपका क्वेश्चन है शो दैट एबी इज पैरेलल टू ईएफ। कैसा डायग्राम दे रखा है आपका, यहां पर बी है ए और यहां पर सी है डी ई एंड एफ, और एंगल्स क्या दे रखे हैं इसने, एंगल ए आपका 57 डिग्रीज है, यहां पर एंगल ई जो दिया है 145, यहां पर क्या दिया है आपका ए सी ई, एंगल ए सी ई इज 22 एंड एंगल ई सी एंड डी इज 35 डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करना है हमको, यहां पर देखो 57 है और ये दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 22 प्लस 35 इज 57, दैट मींस आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सेम चीज हम लिखते हैं, हमारा क्या है, इन एंगल बी ए सी दैट इज इक्वल टू, इन लिखने की जरूरत नहीं आपको, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी दैट इज इक्वल टू 57 डिग्रीज। ठीक है, जैसे कि आपका ए सी डी क्या है, आपका ए सी डी इज एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी। ठीक है, दोनों का सम क्या है आपका, 22 डिग्रीज प्लस 35 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 57 डिग्रीज, सेम मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर किसी के भी इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, तो क्या हो गया हमारा, बी ए इज पैरेलल टू सी डी। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट देखो यहां पर आपका दे रखा है 145, यहां पर क्या है 35, तो दोनों का सम क्या है, 145 प्लस 35 इज 180 डिग्रीज। तो क्या हो गया आपका, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स, आपका ट्रांसवर्स क्या है, ई एंड सी, तो दो पैरेलल लाइंस है, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स, इनका सम इज 180 डिग्री, दैट मींस दिस टू लाइंस आर पैरेलल नाउ। तो सेम चीज हम लिखते हैं, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो क्या होता है आपका, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सेम साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आपका ट्रांसवर्स का सेम साइड में है, दोनों का सम इज व्हाट, 180 डिग्री, सेम आई हैव रिटन हियर, जस्ट वी विल चेक FEC, FEC is 145 degrees plus 35 degrees, that is equal to 180 degrees, it's true। तो आपका क्या हो जाएगा, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो हमारा क्या है, CD is parallel to EF। ठीक है, तो इसको अगर हम वन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टू, तो अब हम लिख सकते हैं बाई वन एंड टू वी गेट, क्या हो गया, तीनों लाइंस पैरेलल, दैट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है,
तो नाउ आपको ये प्रूव करने के लिए कहा है, उसीलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू एफ, हेंस प्रूव। ठीक है।